चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो व्हाट इज़ द फैमिली। सो वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। तो आज फिर से आ चुके हैं हम, कोई ना कोई वीडियो तो बनानी है भाई। आ चुके हैं आज फिर से हम अपनी वीडियो लेके। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी जो BGMI वाली ID आपके बैन हो चुकी है ना, उसे अनबैन कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ लोग मुझसे यहाँ पे बोलेंगे कि तेरी तो खुद पर्सनल सो ID बैन हुई थी, तो तेरी ID अनबैन कैसे हो गई। तो भाई मुझे पता है मेरी ID बैन हो गई थी, तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने आया हूँ कि अपनी ID अनबैन कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। पहली वीडियो कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था, इसके चलते हुए कॉपीराइट स्ट्राइक दे देना, मैंने यूज़ कर लिया जो टेक्निकल ग्रूजी का इंट्रो। तो चलिए भाई चलते हैं। तो जैसे कि आपने कमेंट में देख लिया होगा, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अपनी BGMI की ID कैसे अनबैन करें। तो भाई उसके लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, या तो अपनी आईडी को हैक करके खेलना पड़ेगा या फिर यूट्यूबर होना पड़ेगा। क्योंकि भाई ये BGMI वाले, अगर आप नॉर्मल पर्सन हो ना, तो कभी आपकी आईडी अनबैन नहीं करेंगे। मैंने इन्हें 500 लाखों भाई लाखों बार इनसे बोला है कि मैंने कुछ नहीं किया है, कोई प्रूफ दे दो। भाई आज तक आईडी अनबैन नहीं हुई है, फिर भी इन्होंने मेरी आईडी अनबैन करके रखी है। और ईमेल पे क्या भेजते हैं, आपने हैक करके बोला है, फिर भी मैंने 10-15 बार इन्हें रिप्लाई करके बोला है, आज भी करता हूँ, रोज करता हूँ कि भाई मुझे कोई कोई प्रूफ तो दे दो भाई कि मैंने कहाँ पे हैक किया है। तो भाई कोई जवाब नहीं रहता है उनके पास। तो चलिए भाई हैकर्स की बात तो साइड में रखते हैं, उनका तो मोड APK होता है, जो भी होता हो मुझे पता नहीं है, जो भी करके खेलते हो भाई कैसे भी अनबैन हो जाती हो। पर भाई इन यूट्यूबर्स का क्या सीन है भाई, डायनामो को भी इनने बैन कर दिया था, उन्हें अनबैन कर दिया। भाई हम लोगों की क्यों नहीं सुन रहे हो, गेम तो आखिर हम लोगों के लिए भी है ना भाई, अकेले यूट्यूबर्स और हैकर्स के लिए तो है नहीं भाई। हम लोग, मुझे पता है ये गेम ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, तो कुछ भी कर लो ये बैन तो डेड होने वाला है। मैं भी अब इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मैं खेलते ही नहीं हूँ, बस वीडियो डालता हूँ। जैसे कि आप 2-3 दिन से देख रहे हो कि मैं गेम प्ले वीडियोस नहीं ला रहा हूँ, मैं बस यही बात कर रहा हूँ कौन अच्छा है और क्या है। भाई सब ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई मैं हैकर से एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगा भाई, ऐसा क्या करते हो भाई जो आपकी आईडी पे बैन नहीं पड़ता है, हमें भी बता दो भाई ज़रा। हम लोगों की भी आईडी अनबैन होनी है भाई, बहुत लोग हैं। और मुझे पता है मैंने क्लिकबेट कर दिया है, शुरू में ही कर दिया है, और आधे लोग इसी से आए होंगे कि आईडी को अनबैन कैसे करें। हैकर्स लोग यही ढूंढ रहे होंगे भाई, नहीं मिलेगा आपको। आपको उसके लिए एक बड़ा यूट्यूबर होना पड़ेगा या बड़े बड़े हैकर से मिलना पड़ेगा। आप जो मोड APK लेके खेलते थे ना, उससे कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े हैकर्स के पास जाओ, और आपको अगर चाहिए ना अपनी आईडी अनबैन चाहिए, तो आपकी पहुंच होनी चाहिए भाई डायनामो जैसी होनी चाहिए, स्काउट, जोनाथन, मॉर्टल भाई, वरना आप नॉर्मल पर्सन हो भाई, कुछ नहीं हो सकता। मेरी भी आईडी अनबैन हो गई भाई, मुझे नहीं जानते, मेरा कुछ नहीं हो सकता है भाई। तो भाई पुरानी आईडी के लिए छोड़ दो भाई, जो भी हो पुरानी आईडी को भूल जाओ, नई आईडी से आओ भाई, धमाल मचाओ या फिर इस गेम को डाइट करवा दो। बस दो ही ओपिनियन है अपने पास और कुछ नहीं है भाई। जब तक नॉर्मल पर्सन इस गेम को खेलेंगे, ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे उनके साथ, कुछ नहीं होने वाला है भाई। या तो फिर पबजी न्यू स्टेट आ गया है, उसमें आप जा सकते हो। आपने ये न्यूज़ तो सुनी लिए होगी भाई, ब्रेंडन ग्रीन, जिस बंदे ने इस गेम को बनाया, उसने ही पबजी को छोड़ दिया है। अब पता नहीं भाई क्यों छोड़ा है, मुझे लगता है ये गेम डेड होने होने लगा है भाई, अब होने लगा है। नॉर्मल पीपल छोड़ रहे हैं इसे खेलना, आप भी छोड़ दो भाई, बेहतर है। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है इस गेम का भाई, कोई फ्यूचर नहीं बचा है। ये 1 साल से ज़्यादा नहीं टिकेगा ये मार्केट में, अब बस भाई होने वाला है, बस भाई डेड होने वाला है। मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई इसके लिए, मैं भी थक चुका हूँ भाई, 50 बार 60 बार भाई, कितने बार बोलूँ, मैंने हैक नहीं किया इनसे भाई, मानते ही नहीं। मैं आपको बात, मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, आप अच्छे से पढ़ना इन्होंने क्या रिप्लाई दिया है भाई। और भाई क्या ही बोल सकते हैं आप। और जैसे कि आप देख सकते हो, डैनो भैया की आईडी हुई थी, रात में बैन हुई थी और 1 घंटे के बाद अनबैन हो गई थी। मेरी आईडी को आज 25-26 माह दिन है, आज
बैन हो चुकी है भाई, रोज के रोज मैं इन्हें डिटेल्स बता रहा हूँ, फाइल क्लेम कर रहा हूँ इनके ऊपर। कोई भी भाई, इन्हें कोई टेंशन ही नहीं है, इन्हें पता है हमारा तो आता जाता रहा है भाई। एक और गेम निकाल दिया है पबजी न्यू स्टेट, 3 महीने बाद उसमें भी आएंगे भाई, हैकर्स आएंगे, हैकर्स से इन्हें रुपए मिलेंगे भाई। क्या करना है भाई इन लोगों को, इन लोगों को चाहिए पैसे, नॉर्मल बंदों से इनका कोई काम नहीं है भाई, कोई लेना देना नहीं है इन्हें। और अगर आपकी भी आईडी ऐसे ही बैन हो चुकी है ना लेजमेट तरीके से, तो भाई एक काम करो भाई, कुछ नहीं होने वाला है, यूट्यूब छोड़ दो, नई आईडी बनाओ या फिर दूसरे गेम पे जाओ। यूट्यूब पे आप अपना टाइम वेस्ट करो कि आपकी आईडी अनबैन हो जाएगी, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। आप अपना टाइम वेस्ट करो, अगर मेरे पे विश्वास नहीं है आप भाई देख सकते हो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है भाई, मैं तो बस आपके लिए बोल रहा था, आपका टाइम है भाई, जैसा आपको कुछ भी करना हो। इससे अच्छा तो भाई फ्री फायर वाले हैं, कम से कम उसमें हैकर्स तो नहीं आते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोगों को, से पूछा, मैंने खेला नहीं है पर पूछा बहुत से लोग से कि भाई आज तक उसमें हैकर्स नहीं मिले। एंटी चीट भाई, बैन पेन का क्या सिस्टम है भाई, लेजेंड प्लेयर्स को कभी बैन नहीं किया, मैंने आज तक नहीं देखा है, पर ये बीजीएमआई वाले लोगों का पता नहीं क्या है भाई, मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई इन बीजीएमआई वालों से। तो चलिए भाई आज के लिए बस इतना ही, जो या तो मैं फिर कोई वाली वीडियो का पार्ट टू डाल दूंगा जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं, या फिर बैन की वीडियो तो आज मैं बंद कर रहा हूँ, ये लोग कुछ नहीं करेंगे मुझे पता है, इनसे बस इन्हें चाहिए बस रुपए और कुछ नहीं है भाई, इन्हें पैसों से मतलब है बीजीएमआई वालों को। तो चलिए भाई आज के लिए बस, आपको जो मैंने बात की थी ड्राइंग में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा भाई, वीडियो थोड़ी सी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। कुछ नहीं भाई, कल मिलते हैं, बाय।